गाजियाबाद के पुराने रेलवे स्टेशन के पास शालीमार एक्सप्रेस ड्रेल हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची टीमों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। इस दौरान बोगी को काट उसमें फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। इस मौके पर एनडीआरएफ, रेलवे पुलिस, सिविल पुलिस, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीमें मौजूद रही। सर, आतंकी हमले को लेकर गाजियाबाद में मॉक ड्रिल की गई है, कितना फायदेमंद साबित होगी? मॉक ड्रिल रेलवे यार्ड पर शालीमार एक्सप्रेस का ये डिब्बा है जिसके पलटने से इसमें 25 लोग घायल होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि 2 लोग मृतक पाए माने गए और बाकी 5 लोग बहुत सीवियरली इंजर्ड हैं और बाकी लोगों को हॉस्पिटलाइज कराया गया है। तो ये मॉक ड्रिल का जो पर्पज है वो ये है कि हम अपनी सारी व्यवस्थाओं को चेक कर लें। ये इस बात का एक्नॉलेजमेंट आज हमको मिला कि हमारी सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सही चल रही हैं, हमारा ट्रैफिक सिस्टम जिसने कि सारा रूट क्लियर करा दिया और हॉस्पिटल तक जाने में कोई भी समय हमारे पेशेंट्स को नहीं लगा। इसके अलावा हमारा स्वास्थ्य विभाग जिसने तत्काल यहां पर अपनी टीम लगाई और घायलों को तुरंत उपचार उपलब्ध कराया, हमारी पुलिस फोर्सेज जिन्होंने इमीडिएटली मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकलवाया और स्पेशली एनडीआरएफ की कितनी टीमें यहाँ? एनडीआरएफ की तो यहाँ पर बहुत बड़ी टीम है, बटालियन और यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन की टीम है और उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं और उन्होंने पूरी बटालियन ने इमीडिएटली एक कटर से ट्रेन के डिब्बे में एक रास्ता बना करके और सारे घायलों को बाहर निकाला। जिस टाइम ये हादसा हुआ था तो एनडीआरएफ की टीम कितनी देरी में यहाँ पर पहुंची और किस प्रकार से रेस्क्यू करा? 5 to 7 minutes ये इमीडिएटली वहां पहुंच गई। यही कारण है कि एनडीआरएफ की टीम जब समय से पहुंच जाती है तो मृतकों की संख्या कम हो जाती है। इमीडिएटली जैसे ही उन्होंने वो दरवाजे लॉक हो जाते हैं तो उन्होंने एक आउटलेट बनाई, उस आउटलेट से उसमें वेंटिलेशन प्रॉपरली हो गया और लोगों को इजेक्ट आउट कर, और चूंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर रहती है उन्होंने अपने यहीं पर कैंप बना लिए, यहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, सारे स्पेशलाइज डॉक्टर्स हैं और जो सीवियर इंजर्ड होते हैं उनको हमने इमीडिएटली हॉस्पिटल भेज दिया। रास्ते में कोई जाम न लगे इसलिए हमारी ट्रैफिक पुलिस ने बहुत अच्छा काम करके रूट क्लियर करा दिया और ये सारा काम की सारी टीमों ने एक टीम के रूप में काम किया। यानी ये मॉक ड्रिल एक तरीके से सक्सेस मानी जाए? ये मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी व्यवस्थाओं को चेक कर लें और आने वाले कोई भी समय में कोई ऐसी कोई घटना हो तो तत्कालिक रूप से हम लोग वहां मौके पर पहुंच करके हमारा पुलिस, हमारा एनडीआरएफ और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, हमारी ट्रैफिक, सारे लोग मिलकर के और रेलवे डिपार्टमेंट के सहयोग से हम सारी घटनाओं से कम कैजुअलिटीज हो सकती। सर, एक ट्रेन हादसा हुआ है रेलवे स्टेशन गाजियाबाद के पास में, क्या था पूरा होना, किस प्रकार से ये मॉक ड्रिल की गई? ये एक मॉक ड्रिल जो कि रेलवे, एनडीआरएफ, सिविल पुलिस, सिविल डिफेंस इनके सभी को सहयोग से ये एक मॉक ड्रिल करवाई गई, जिससे कि कभी कोई ऐसा हादसा होता है तो अलग अलग एजेंसी कैसे समन्वय दिखा के राहत और बचाव कार्य करेगी। तो यहाँ पे एक जो दृश्य हमने बनाया था, यह शालीमार ट्रेन का एक डिब्बा रेल हो गया था और टीमों को यहाँ पर बुलाया गया। इनिशियली जो लोकल रिस्पॉन्डर थे, जो रेलवे के अपने रिसोर्सेज थे, उन्होंने पहले यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने राहत और बचाव कार्य आरंभ किया। उसके बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई, उसने 2 अप्रोच बनाई, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ऊपर से विक्टिमों को निकाला और जो साइड से उसे कटिंग करके विक्टिमों को निकाला। जिस टाइम में ये हादसा हुआ था कितनी देर में यहाँ एनडीआरएफ की टीमें आई और किस प्रकार से रेस्क्यू? देखिए, ये एक मॉक ड्रिल थी तो मॉक ड्रिल को एक्चुअल हालात में थोड़ा सा अंतर होता है। तो जो गाजियाबाद में हमारी एक बटालियन है वहाँ से यहाँ तकरीबन आने में अगर आप एक्चुअल ग्राउंड को देखें करीब 20 से 25 मिनट का समय लगता है। देखिए, एक मॉक ड्रिल थी, यहाँ पे हमने एक स्टेजिंग एरिया बनाया हुआ था जहाँ से कि टीमों को रिस्पॉन्ड करना था, उस हिसाब से अभी तो 5 मिनट में टीमें यहाँ पे पहुँच गई। ये रेस्क्यू कितनी देर तक चला, थोड़ा सा? ये रेस्क्यू करीब आधा घंटे से 45 मिनट तक चला, क्योंकि बोगियों को काटना होता है, अंदर विक्टिम भी होते हैं, उनको भी आपको देखना पड़ता है कि कोई विक्टिम को कोई नुकसान ना पहुंचे और जो हमारे जो रेस्क्यूअर हैं उनकी भी सुरक्षा को देखते हुए काम करना पड़ता है। ये मॉक ड्रिल थी, इसका उद्देश्य ये नहीं था ये चेक करना नहीं था कि कौन कितनी जल्दी काम करता है, बल्कि इसका उद्देश्य ये था कि हर एजेंसी आपस में समन्वय दिखा के कैसे कार्य करती है। जिस प्रकार से शामली में एक आतंकवादियों का खत पहुंचा था स्टेशन मास्टर के पास, उसमें कई स्टेशन भी हाईजैक करने की बात कही गई थी, क्या ये उसकी तैयारी मान के हम चले? देखिए, हम तो
जो पुलिस स्ट्रक्चर या ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं उसमें काम करते हैं। अगर कुछ कोई आतंकवादी हादसा कुछ ऐसा होता है तो उसमें अगर CBRN एलिमेंट इन्वॉल्व है तब NDRF उसमें रिस्पॉन्ड करती है, अदरवाइज वो एक जो लोकल जो पुलिस है वो उसमें कार्य करती है और उन्हें हमारी जरूरत होती है तो हम उस हिसाब से अपनी सहायता देते हैं।